दिन साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से फटाफट से। बहुत ही अच्छा सेशन है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों, ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है, ठीक है। रोज रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते हैं। आज अपन रिपोर्टाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और जिनको भी दोस्तों ये पंजाब मास्टर कैडर वाले, विशेष रूप से पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी हैं, है ना, ये पंजाब मास्टर कैडर वाले दोस्तों 599 मात्र 4500 क्वेश्चन दोस्तों, ये आप मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये ऐप में जाकर के, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए टीजीटी पीजीटी का कोर्स है मात्र 1500 रुपए में। टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के जो भी हमारे साथी हैं, मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना हो, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के, ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, रचनाएं भी हैं। और साथियों, जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट अपने घर पर मंगवाना है, 3000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के, वो मात्र 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि रिपोर्टा शब्द किस भाषा का शब्द है। रिपोर्टा शब्द किस भाषा का शब्द है, सभी लोग चयन करेंगे, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। लाइक कर देना, जब ही सभी साथी लाइक कर देना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सेशन यहां पर। रिपोर्टाज यहां पर आ रहा है, जल्दी से बताइए रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है या फिर पुर्तगाली है। तो सभी का आंसर आपको बताना, और आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर रिपोर्ट करो, किसकी, फ्रांसीसी, और इसे फ्रांसीसियों की रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट करना अपन को किसकी, फ्रांसीसियों की, फ्रांसीसियों की रिपोर्ट कर दो, ये रिपोर्टाज शब्द हो गया और ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द। इस प्रकार से अपन ने दोस्तों याद कर लिया, ठीक है। सी नंबर आपका सही है। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। रिपोर्टाज विधा का जो प्रारंभ माना जाता है वो किस पत्रिका से माना जाता है। अनुज कुमार जी चयन कर दो, जल्दी से शेयर भी कर दो, हमारे सभी साथी शेयर कर देंगे। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है, हंस से, हंस से माना जाता है, जल्दी से बताइए फटाफट से। रूपाब से माना जाता है, सरस्वती से माना जाता है, जागरण से माना जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है रूपाब, यानी आपका जो बी नंबर है रूपाब, वो बिल्कुल सही है, रूपाब आपका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिपोर्टाज का प्रारंभ कब से माना जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, शेयर कर दो दोस्तों, जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट दोस्तों अपने घर पर मंगवाना है, जो मात्र 599 रुपए में आप दोस्तों मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिपोर्टाज का प्रारंभ कब से माना जाता है, 3 का उत्तर आपको बताना है, 3 नंबर का उत्तर बताइए। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1935 से, 1930, 38 या फिर 36 से, कब से माना जाता है रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ बताना है ये कब से माना जाता है, तब आपका उत्तर चला गया कि सर रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ माना जाता है 1936 से, 1936 से, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है ना। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन है, हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक बताना है, बताइए। शिवदान सिंह चौहान है, रांगे राघव है, शमशेर बहादुर या फिर निर्मल वर्मा, बताएं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देंगे। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं, रिपोर्टाज लेखक बताना है। और सभी साथियों ने बहुत ही बढ़िया आंसर लगाया कि सर प्रथम रिपोर्टाज लेखक की बात करोगे तो शिवदान सिंह चौहान, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो बिल्कुल क्रमबद्ध एक के बाद एक क्वेश्चन को अपन दोस्तों पढ़ते जा रहे हैं, यहां पर बिल्कुल क्रमबद्ध पढ़ रहा है इन क्वेश्चनों को। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा या फिर अलमोड़े का बाजार,
चयन करिए जल्दी से, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, फटाक से बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और सभी साथियों का आंसर बहुत ही बढ़िया जा रहा है कि सर हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज की अगर बात करोगे तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है कौन सा, कौन सा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। सभी का बिल्कुल सही आंसर जा रहा, लक्ष्मीपुरा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ कब से माना जाता है और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर जा रहा कि सर द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आप द्वितीय विश्व युद्ध लगाना, ठीक है, और सन में पूछा जाए तो आप 1936 लगाना दोस्तों, है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा वो हो जाता है ना, 1936 लगाना क्योंकि यहां पर चालू हो गया था, ठीक है। तो यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिद्धांत से चौहान द्वारा लिखित मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज किस पत्रिका में ये छपा था, बताइए, चयन करिए। सभी लोग बताएंगे, रेखा यादव जी, नीलम वर्मा जी, चयन करिए जल्दी से। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज कर्ता माने जाते कौन, सिद्धांत से चौहान, जिनका रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। सिद्धांत से चौहान द्वारा लिखित मौत, मौत भी अपन को याद कर लेना, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज किस पत्रिका में छपा, रूपाब में, हंस में, विशाल भारत या फिर जागरण। यानी कि आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बताना है और सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बता रहा कि सर मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई ये छपा है विशाल भारत में, विशाल भारत में छपा। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर विशाल भारत आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा रिपोर्टाज प्रकाश चंद गुप्त का नहीं है, प्रकाश चंद गुप्त का कौन सा नहीं है, प्राग एक स्वप्न, स्वराज भवन, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा रिपोर्टाज प्रकाश चंद गुप्त का नहीं है, प्रकाश चंद गुप्त का कौन सा नहीं है, प्राग एक स्वप्न, स्वराज भवन, चयन करो, 8 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यहां पर कौन सा रिपोर्टाज प्रकाश चंद गुप्त का नहीं है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कि सर यहां पर नहीं है पूछा तो प्राग एक स्वप्न ये नहीं है प्रकाश चंद गुप्त का, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे पता है कि लक्ष्मीपुरा 1938 माना जाता है, 1938 ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है 1938, लेकिन रिपोर्टाज विधा की जो शुरुआत हो गई थी वो 1936 से मानी जाती है दोस्तों, 1936 से मानी जाती है ना, ये चीज याद रख लेना। ये बिल्कुल सही है कि 1938 में प्रथम रिपोर्टाज लिखा गया, लेकिन इसके पहले भी दोस्तों ऐसी कई रचनाएं हुई हैं, है ना, ये याद रख लेना। आपने देखा होगा कि कोई भी कहानी लिखी जाती है, आपने उपन्यास पढ़े हैं, है ना, अपन ने देखा कि सर 1977 में भागवती लिखा, 1877 में, लेकिन 1882 में ही क्यों परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम माना जाता है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं जो दोस्तों वो हो जाती हैं, है ना। तो यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अपन यहां पर जाएंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, पिलाट का मोर्चा ये रिपोर्टाज इसके लेखक कौन है, शमशेर बहादुर से है, रांगे राघव, निर्मल वर्मा या फिर सिद्धांत से चौहान। प्लाट का मोर्चा ये रिपोर्टाज इसके लेखक कौन है, प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर, रांगे राघव, निर्मल वर्मा, सिद्धांत से चौहान। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा बताना है, चयन करना है। और सभी को पता है कि सर प्लाट का मोर्चा तो कोई बहादुर लोग, बहादुर ही संभालेगा, बहादुर, तो बहादुर से यहां पर शमशेर बहादुर से, प्लाट का मोर्चा कौन संभालेगा, शमशेर बहादुर से संभालेंगे, बहादुर से, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, प्लाट का मोर्चा ए नंबर आपका राइट आंसर है। तो
तूफानों के बीच रिपोर्टाज इसके लेखक कौन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच बताना है, सभी लोग बताएंगे यहां पर, और लाइक भी कर दो जल्दी से। तूफानों के बीच रिपोर्टाज इसके लेखक कौन है, तूफानों के बीच जल्दी बताइए, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, चयन करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। सभी लोग बता रहे कि सर तूफानों के बीच हमारी रक्षा राघव करेंगे, राघव से बनेगा आपका रांगे राघव, आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज के लेखक कौन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी, शेयर कर देना अपने साथियों तक, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है अभी भी आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो कोर्स में, और जिनको मॉडल पेपर लेना है पंजाब मास्टर कैडर के, ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर के, वो मात्र 599 में मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं। प्राग एक स्वप्न के रिपोर्टाज किसका है, चयन करना है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका पता है कि सर प्राग एक स्वप्न, प्राग का एक स्वप्न कैसा है, बड़ा निर्मल निर्मल है, निर्मल स्वप्न है, निर्मल है ना, तो निर्मल वर्मा यानी कि बी नंबर आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहाड़ों पर प्रेममय संगीत, पहाड़ों पर प्रेममय संगीत रिपोर्टाज के लेखक कौन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। जिनको भी 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है दोस्तों, सो मात्र 599 पे करके आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं टेस्ट सीरीज, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाई गई है। पहाड़ों पर प्रेममय संगीत रिपोर्टाज इसके लेखक कौन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका कि सर पहाड़ों का प्रेममय संगीत सुनकर के अस्क निकल जाते हैं, पहाड़ों पर प्रेममय संगीत सुन के अस्क निकल जाते हैं, आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट है। क्रांति करते हुए आदमी देखना रिपोर्टाज के लेखक कौन है, क्रांति करते हुए आदमी देखना बताइए, क्रांति करते हुए आदमी देखना 13 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो अपने साथियों तक। ये सेशन दोस्तों अपना रोज रात्रि 9 बजे चलता है यहां पर, है ना, यहां पर क्रांति करते हुए आदमी देखना ये रिपोर्टाज, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है, कमलेश्वर है, भदंत आनंद कौशलायन है, रेणु है, विवेकी राय है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी लोग आंसर बिल्कुल राइट आंसर चयन कर रहे हैं कि सर क्रांति करते हुए आदमी देखना ये कमलेश्वर, कमलेश्वर यानी कि आपका ए नंबर सही है, कमलेश्वर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रांति करते हुए आदमी देखना, जुलूस रोका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये रिपोर्टाज किसके हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन कई बार आते दोस्तों, जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, श्रीकांत वर्मा, विवेकी राय, फणीश्वरनाथ रेणु, इनमें से कोई नहीं, जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये इसके रचनाकार कौन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और आपको पता है कि सर जुलूस रुका है, लेकिन कैसे रुका है, बड़े ही विवेक से रुका, विवेक, तो विवेक से हो जाएगा विवेकी राय, विवेकी राय यानी कि आपका जो बी नंबर है विवेकी राय, ये बिल्कुल सही आंसर है, विवेकी राय आपका राइट आंसर है। बाढ़ 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 भी याद रख लेना, ठीक है, विवेकी राय बी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड दोस्तों। पेरिस के नोट्स, पेरिस के नोट्स ये किसका रिपोर्टाज, 15 नंबर का क्वेश्चन है। पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज की रचना कौन है बताइए जल्दी से, रामकुमार वर्मा है, शिव सागर है, या फिर दोस्तों रेणु जी हैं। पेरिस के नोट्स, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चयन कर देना जल्दी से, रामकुमार वर्मा, रेणु, शिव सागर मिश्र, या फिर धर्मवीर भारती, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन में, सीधा आंसर जा रहा है आपका, सीधा जा रहा है 15 का उत्तर जा रहा है कि सर रामकुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, बहुत बढ़िया, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा रिपोर्टाज रेणु जी का नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा नहीं है, ऋण जल धन जल, नेपाल की क्रांति कथा, श्रुत आश्रुत, पूर्व जिए तो ऐसे जिए, कौन सा रिपोर्टाज रेणु जी का नहीं है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या जा रहा है, कौन सा रिपोर्टाज रेणु जी का नहीं है, और कौन सा रिपोर्टाज नहीं है रेणु जी का, राइट आंसर जा रहा कि सर ऋण जल धन जल, ये तो है, नेपाल की क्रांति कथा ये भी है ना, श्रुत आश्रुत पूर्व ये भी है, लेकिन ये जिए तो ऐसे जिए यानी कि आपका जो डी नंबर है जिए तो ऐसे जिए, ये बिल्कुल सही है,
कौन सा रिपोर्ट आज रेणु जी का नहीं है, तो जिए तो ऐसे जिए। एकलव्य के नोट्स, अभी आपने पेरिस के नोट्स पढ़े थे, पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा जी का रिपोर्ट आज है, लेकिन एकलव्य के नोट्स से रिपोर्ट आज किसका है? एकलव्य के नोट्स बताइए, 17 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए एकलव्य के नोट्स। एकलव्य अलग है दोस्तों, एकलव्य अलग है, एकलव्य के नोट्स अलग है। एकलव्य के नोट्स आपको चयन करना है, इसके जो रचनाकार है वो रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। एकलव्य के नोट्स आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर एकलव्य के जो नोट्स हैं कौन कौन सही बता रहा है। बहुत बढ़िया, फणीश्वरनाथ रेणु याद रख लेना, सी नंबर फणीश्वरनाथ रेणु का ये दोस्तों एकलव्य के नोट्स हैं, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट है। वे लड़ेंगे हजारों साल, ये रिपोर्टाज इसके लेखक कौन है? वे लड़ेंगे हजारों साल, शिवसागर मिश्र हैं, नरोत्तम दास नागर हैं, श्रीकांत वर्मा या फिर रामकुमार वर्मा। वे लड़ेंगे हजारों साल, वे लड़ेंगे हजारों साल 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 का उत्तर बताना है। वे लड़ेंगे हजारों साल, बताइए जल्दी से अनुज जी, प्रियंका जी, आरती जी, वे लड़ेंगे हजारों साल 18 का उत्तर, इसके रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 18 नंबर में बताइए, सभी साथी बताएंगे। राइट आंसर जा रहा कि सर वे लड़ेंगे हजारों साल, कहां पर? बोले शिव के सागर में, शिव के सागर में वे लड़ेंगे हजारों साल, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका शिव के सागर में वे लड़ेंगे हजारों साल, ये रिपोर्टाज है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ आओ, ठीक, ठीक है। तो यहां पर वे लड़ेंगे हजारों साल, सभी को बताना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वे लड़ेंगे हजारों साल, शिव सागर मिश्र, श्रीकांत वर्मा, नरोत्तम दास नागर, रामकुमार वर्मा, तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। युद्ध यात्रा रिपोर्ट आज किसका? 19 नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध यात्रा बताइए, युद्ध यात्रा रिपोर्ट आज श्रीकांत वर्मा बताइए। वीडियो को लाइक भी कर देना, जिन भी साथियों को हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, गद्य और पद्य का दोस्तों अगर नोट्स आपको मंगवाना विस्तृत वाला, जिसमें फर्स्ट पार्ट में पद्य में दोस्तों हिंदी भाषा से लेकर के आपका पूरा नई कविता तक, गद्य में आपका हिंदी गद्य का विकास से लेकर के नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, ये पूरा मिलेगा। तो ये दो पार्ट में हिंदी का पूरा दोस्तों इतिहास है ना। तो युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है धर्मवीर भारती, यानी बी नंबर आपका सही है। युद्ध यात्रा भी जाएंगे, बोले सर हम तो धर्म करके जाएंगे। निम्न में से कौन सा रिपोर्टाज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 का उत्तर बताइए, कौन सा रिपोर्टाज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, दोनों या फिर दोनों नहीं, कौन सा रिपोर्टाज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? अरुण कुमार जी बताइए, जल्दी से चयन करना है। क्षण बोले कण मुस्काए तो आपने पढ़ाई है, जिए तो ऐसे जिए, दोनों या फिर दोनों नहीं, 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर रिपोर्टाज प्रभाकर जी का है बताना है ना। तो ये क्षण बोले कण मुस्काए ए भी है और जिए तो ऐसे जिए ए भी है, यानी कि आपका उत्तर जा रहा कि सर दोनों है ना। तो उत्तर कहां चला गया? सी नंबर, दोनों आपका सही उत्तर है। क्षण बोले कण मुस्काए और जिए तो ऐसे जिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, अपोलो का रथ ए बताइए और मुक्ति की फौज, अपोलो का रथ और मुक्ति की फौज बताइए, जल्दी से चयन करें। अपोलो का रथ और मुक्ति की फौज, नरोत्तम नागर, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, रेणु, अपोलो का रथ, ये तो कई बार पूछा जाएगा। अंकित जी बताइए, आदर्श जी, अपोलो का रथ बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शेयर भी कर दें सभी साथियों। सभी साथीगण शेयर कर देंगे एक बार, अपोलो का रथ मुक्ति फौज, तो आपको बताइए सर अपोलो का रथ यानी कि श्रीकांत वर्मा, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, श्रीकांत वर्मा के दोस्तों रिपोर्टाज अपोलो का रथ और मुक्ति फौज, ठीक है, मुक्ति फौज रिपोर्टाज, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया।
देश की मिट्टी, देश की मिट्टी दोस्तों बुलाती है, ये बोलती नहीं बुलाती है। ये रिपोर्टाज बताना 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन सही लगाएगा, देश की मिट्टी बुलाती है। भदंतानंद कौशलायन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, रामनारायण उपाध्याय, 22 नंबर का क्वेश्चन है, देश की मिट्टी बुलाती है। विनोद कुमार हैं, बताइए जल्दी से, के एम संगीता जी, सोनू जी, अनुज कुमार जी, सभी को चयन करना, वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी। देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है किसको? बोले सर हमारे जितने भी कौशल हैं, जिनके पास कौशल है उसको देश की मिट्टी बुलाती है, बड़े आनंद से बुलाती है ना। तो आपका ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, ये रिपोर्टाज किसका है? सती कुमार, नरोत्तम नागर, भगवत्सरण उपाध्याय, कोई नहीं। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर दो। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, चयन करिए जल्दी से। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 का उत्तर है, किसने कर दिया? बोले सर नरोत्तम नागर, नरोत्तम नागर, नरों में उत्तम थे जो, उन्होंने अपने ही घर में सरस्वती का अपमान कर दिया। नरोत्तम और नर में उत्तम कहलाते हैं, नरोत्तम नागर बी नंबर सही है। खून के छींटे, खून के छींटे बताइए, अगर खून के छींटे पड़ जाए, आपने देखा होगा कई लोग से दोस्तों धोखे बस किसी जीव की हत्या हो जाती है, कोई बड़ा जीव अगर किसी जीव की हत्या हो गई है ना, या कैसे भी हो गई, बोले हत्या लग गई, हत्या, बोले हत्या लगी है तो भागवत करवाएंगे हम, भागवत है ना। तो आपको बोले सर खून के छींटे उचट गए थे, खून के छींटे, अब हम भागवत करवाएंगे, भागवत, भागवत जानते आप लोग, भागवत सुनने जाते होंगे, तो भागवत, भगवत शरण उपाध्याय है। खून के छींटे लग गए थे, बोले भागवत क्यों करवाई भैया, बोले खून के छींटे लग गए थे इसलिए हमने भागवत करवाई। तो खून के छींटे रिपोर्टाज है, भागवत, भगवत शरण उपाध्याय, यानी कि डी नंबर। भागवत सुनते हैं आप लोग, कौन सा असंगत है, असंगत बताइए, ललित सागर, पार्वती के कंगन, सती कुमार, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, इसके दोस्तों पात्र हैं जगदीश चतुर्वेदी, ये बताना है, इसके कौन सा दोस्तों किसका रिपोर्टाज है ये बताना है। राम कुमार वर्मा मुक्ति पोज, कौन सा असंगत है ये बताइए जल्दी से, असंगत कौन सा है। तो आपने यहां देखा ललित सागर, पार्वती के कंगन, ललित सागर का ही है ये रिपोर्ट आज, पार्वती के कंगन ललित हैं बहुत, या सागर में गिर गए, बोले ललित सागर में गिर गए पार्वती के कंगन, ये तो बिल्कुल सही है। सती कुमार, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था सती के प्रति, सती के प्रति है ना, तो ये सती कुमार हैं। और चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लिहासा सड़क है ना, तो ये चीनियों ने जो सड़क बनाई थी बहुत बहुत ही चतुर तरीके से बनाई थी, चतुर, तो जगदीश चतुर्वेदी। लेकिन ये मुक्ति फौज, मुक्ति फौज राम कुमार वर्मा का नहीं है, आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। धरती के लिए रिपोर्टाज ये किसका है, धरती के लिए रिपोर्टाज बताना है, लाइक भी कर दो सभी साथी दोस्तों। जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर, वो सभी साथी मात्र 599 में बहुत ही संशोधित टेस्ट सीरीज बनाई गई है दोस्तों, है ना, दूसरा संस्करण है, पहले संस्करण में 4-5 अशुद्धियां हो गई थी है ना, लेकिन वो सारी की सारी संशोधित करके दोस्तों अब बहुत ही शुद्ध संस्करण बनाया गया, जिसमें कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। धरती के लिए रिपोर्टाज ये बताना है, रिपोर्टाज किसका, धरती के लिए, यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, और सर कैलाश नारद, धरती के लिए कैलाश एक गर्भ की बात है, कैलाश पर्वत का नाम सुना है, कैलाश बोले गर्भ की बात है धरती के लिए, तो कैलाश नारद का ये उपन्यास दोस्तों रिपोर्टाज है ना, इसको याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर अपन को बढ़ना है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर अपन को कुछ गद्य साहित्य पढ़ना, गद्य साहित्य के, किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, गद्य काव्य, गद्य काव्यकार, देखो गद्यकार और गद्य काव्यकार ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर बताइए गद्य काव्यकार कौन माने जाते हैं, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, चतुर्सेन जोशी, या फिर रामकुमार वर्मा, चयन करो। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, एक का उत्तर बताना है, चयन करना है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना है।
किसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर बियोगी हरि। बियोगी हरि को माना जाता है हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार, प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। ये नंबर बियोगी हरि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बियोगी हरि को माना जाता है क्या? बोले सर नहीं, राय कृष्णदास को माना जाता है। वेरी गुड, वी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद कर लेना, राय कृष्णदास को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, राय कृष्णदास, इनका दोस्तों गद्य काव्य जो है वो कौन सा है? साधना, साधना माना जाता है, साधना। देखो सभी लोगों ने ये लगा दिया था, लाइन से ये लगाने, बोले सर एक बार आप पलटो तो हम लोग तो साथ ही में चल रहे हैं। एक बार आपने पलटे तो सब लोग एक ही तरफ भाग चले। ये दिख जाती है नकल कौन कौन कर रहा है और कौन कौन कॉन्फिडेंस से लगा रहा है, ये भी दिख जाता है ना। हाँ, तो राय कृष्णदास आपका सही है। गद्य काव्यों की रचना किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ दोस्तों? गद्य काव्यों की रचना जो है किसकी प्रेरणा से ये हुई है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, पाणिनी की अष्टाध्यायी, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। दो नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। गद्य काव्यों की रचना किसकी प्रेरणा, किसकी प्रेरणा से दोस्तों प्राप्त हुआ है, ये बताना। दो नंबर का क्वेश्चन है और दो नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर किससे हुई है गद्य काव्य की प्रेरणा, कहां से मिली है? जल्दी से चयन करना, एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी। और बहुत ही आंसर जा रहा है कि सर इसमें आप लगा दो क्या, उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ये गद्य काव्य की प्रेरणा मिलती है। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? साधना यानी कि तीन नंबर दोस्तों। ये हिंदी का प्रथम गद्य काव्य से माना जाता है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है कौन सा? साधना। और इसके रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा राय कृष्णदास, राय कृष्णदास माने जाते हैं। ठीक है, तो साधना गद्य काव्य, साधना गद्य काव्य ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। राय कृष्णदास ने, अज्ञे ने, दिनकर ने या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने, साधना बताना है। तो साधना तो आपको पता ही है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है, और ये है किसका? राय कृष्णदास का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। शेष स्मृतियों गद्य गीत के रचनाकार कौन है? शेष स्मृतियों दिनेश नंदिनी डालमिया, शांति प्रसाद वर्मा, रघुवीर सिंह या फिर राय कृष्णदास। चार नंबर का क्वेश्चन है, शेष स्मृतियों गद्य गीत के रचनाकार कौन है? चार नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शेष स्मृतियों गद्य गीत के रचनाकार बताना, गद्य गीत के शेष स्मृतियों बताना चार नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और जिनको भी 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है वो मात्र 599 में मंगवा सकते, आज ही ऑर्डर कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो आपका उत्तर है कि सर शेष स्मृतियां चार नंबर में रघुवीर सिंह। ठीक है, तब आपका उत्तर जा रहा रघुवीर सिंह, रघुवीर की शेष स्मृतियां। ठीक है, बहुत बढ़िया। मरी खाल की हाय, मरी खाल की हाय पांच नंबर का क्वेश्चन है। शेयर कर दो दोस्तों, सभी साथी शेयर कर दो एक बार, और इसे रोज इस क्लास को आपको अटेंड करना है, अध्ययन करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। मरी खाल की हाय इसके लेखक कौन है? पांच नंबर का क्वेश्चन है, पांच नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से। सभी लोग आंसर बता रहे कि सर चतुर सेन शास्त्री। मरी खाल की हाय बहुत चतुर है, चतुर। मरी खाल की हाय कैसी है? चतुर, चतुर है, बोले सर बी नंबर, चतुर सेन शास्त्री। बियोगी हरि का गद्य काव्य कौन सा है? छह नंबर का क्वेश्चन है। बियोगी हरि, बियोगी हरि का गद्य काव्य बताइए राजीव मौर्य जी। बियोगी हरि का गद्य काव्य तरंगिणी, अंतरनाथ, प्रार्थना या फिर सभी। बियोगी हरि का गद्य काव्य वंदना जी, अजय कुमार जी, छह नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे। तो आपको पता है कि सर वियोग की तरंग तो तरंगिणी है ना, अंतरनाद बोले सर अंतरनाद से ही वियोग हो गया, प्रार्थना बोले सर वियोग हो गया है, आप लोग भी प्रार्थना करना कि जल्दी संयोग हो जाए। तो प्रार्थना, तरंगिणी और अंतरनाद ये सभी हो जाएगा वियोगी हरि का गद्य काव्य, सभी नंबर आपका सही है। शारदीया गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? शारदीया बताना, सात नंबर दिनेश नंदिनी डालमिया,
डॉक्टर रघुवीर सिंह, राय कृष्ण दास, बियोगी हरि। 7 का उत्तर बताइए, चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शारदीया गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? शारदीया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शारदीया प्रश्न है 7। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और शारदीया के किसका गद्य काव्य है? और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 7 नंबर का, कि सर जो शारदीया है ये दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी डालमिया, यानी कि आपका जो उत्तर है वो क्या है? डालमिया। डालमिया अपन को याद रख लेना, शारदीया, ठीक है। हृदय की हिलोर नामक गद्य गीत किसका है दोस्तों? ये बताइए, हृदय की हिलोर बताओ 8 नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों। हृदय में हिलोर उठी, बोले कही कहां की हिलोर उठी? बोले वृंदावन जाने की हिलोर उठी है हृदय में हिलोर उठी है, ठीक है। काहे की? वृंदावन जाने की। तो हृदय में हिलोर उठी वृंदावन जाने की, तो हृदय की हिलोर वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि आपका जो बी नंबर है, हृदय में हिलोर उठी वृंदावन जाने की, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इतने बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर बता रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत सारा पढ़ लिया हो, ठीक है। दोपहिया के फूल एक गद्य काव्य बताना है आपको, 9 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों, चयन करिए। दोपहिया के फूल बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करो जल्दी से। और 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये दोपहिया के फूल डाल में फूलेंगे, डाल में कहां फूल रहे दोपहिया के फूल? डाल में, तो डालमिया, डी नंबर, दिनेश नंदिनी डालमिया। हिमहास के रचनाकार कौन है? 10 नंबर, हिमहास बताना है दोस्तों, ठीक है। एक वीडियो में अपन नवगीत को पढ़ेंगे दोस्तों, पत्र पत्रिकाओं को भी देखेंगे, नवगीत पत्र पत्रिकाएं, फिर उसके बाद अपन काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, है ना। हिमहास के रचनाकार कौन है? 10 नंबर का सभी लोग बताएंगे, क्रमबद्ध अध्ययन अपना रोज चल रहा है ना। हिमहास, और हिमहास आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा, राम कुमार वर्मा, हिमहास, ये हिमहास याद रख लेना, ये दोस्तों इनका गद्य काव्य है, ठीक है, हिमहास, राम कुमार वर्मा, डी नंबर, साहित्य देवता, ये गद्य काव्य किसका है? साहित्य देवता। 11 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें जल्दी से। साहित्य देवता बताना है दोस्तों, रामकुमार वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, या फिर बियोगी हरि माने जाएंगे साहित्य देवता। तो आपको याद रख लेना कि सर साहित्य देवता को क्या खवाना है? साहित्य देवता को माखन खवाना, माखन, तो माखन से आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि आपका जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो बिल्कुल सही है। साहित्य देवता को माखन खवाना, माखन, ठीक है, तो माखन में आपका बी नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी, माखन खवाना, बहुत बढ़िया। निशीत, निशीत आंसू भरी धरती, आंसू भरी धरती किसके गद्य काव्य है? निशीत और आंसू भरी धरती, 12 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों। सभी लोग बताइए, वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, चयन करिए जल्दी से। साहित्य के देवता को माखन खवाइए। बहुत सारे स्टूडेंट आते, सर हमें साहित्य याद नहीं होता, मैंने कहा भैया साहित्य के देवता को माखन खवा दो, माखन, माखन खवा दोगे साहित्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो निशीत आंसू भरी धरती ये किसके गद्य काव्य है 12 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर 12 में ये निशीत और आंसू भरी धरती, बोले किसकी धरती? ब्रह्मदेव की, ब्रह्मदेव की आंसू भरी धरती, ब्रह्मदेव की, है ना। तो आपका यहां पर सही उत्तर चला गया, यहां पर सी नंबर, ब्रह्मदेव की, ठीक है। अगला है दोस्तों, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? 13 नंबर के क्वेश्चन में, तेरा मेरा का चक्कर है, तेरा मेरा का हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, लगभग सभी लोगों को पता है कि सर हिंदी का प्रथम गद्य काव्य पूछ रहे हैं, तब आपका उत्तर चला गया साधना, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कुछ चंदन की कुछ कपूर गद्य काव्य है बताओ, 14 नंबर में। कुछ चंदन की कुछ कपूर, कुछ कपूर ये गद्य काव्य बताइए,
कुछ चंदन की और कुछ कपूर की। 14 नंबर का क्वेश्चन है बोले सर कुछ चंदन की और कुछ कपूर की बाती लेकर के कहां जाओगे? विष्णु, विष्णु का। अच्छा एक बात बताओ कि जब विष्णु के मंदिर आप जाते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, तो कुछ चंदन की दोस्तों अपन को खुशबू आती है, कुछ कपूर की खुशबू, ईमानदारी बता देना, है ना? आती है कि नहीं आती? कुछ चंदन की खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि जैसा पूरा जो मंदिर है वो चंदन से महक रहा हो, कपूर से महक रहा हो, तो कुछ चंदन की और कुछ कपूर की खुशबू आती है विष्णु, विष्णु के मंदिर, तो यहां पर कुछ चंदन की और कुछ कपूर की विष्णु कांत शास्त्री लगा देना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञेय जी का गद्य काव्य कौन सा है? 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है, गद्य काव्य बताना है दोस्तों, चिंता भग्न दूत, है ना? और यहां पर आते चिंता भग्न दूत दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो चिंता और भग्न दूत, है ना? चिंता और भग्न दूत दोनों गद्य काव्य हैं दोस्तों, किसके? अज्ञेय जी के, है ना? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप किस किसने डाउनलोड नहीं किया, ईमानदारी से बता देना सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है? ऐप डाउनलोड कर लें, जिनको भी एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ वाले, है ना, 3000 क्वेश्चन की, वो मात्र 599 में, जिनको विस्तृत नोट्स मंगवाना है दोस्तों वो संपर्क करें, ये दोनों सी नंबर आपका सही है। उजली आग किसका गद्य गीत है? उजली आग बताना, उजली आग, क्रांति त्रिपाठी, दिनकर, राजेंद्र अवस्थी या फिर जितेंद्र सूद, उजली आग ये किसका गद्य गीत है? उजली आग बताना, 16 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 16 का उत्तर बताना है। उजली है आग, बोले कहां पर उजली है? दिन में, दिन में लगती है ना अपन को, कि उजली है आग, ठीक है? उजली है आग दिन में, तो दिन से हो जाएगा दिनकर, यानी बी नंबर, उजली है आग दिन में, तो दिनकर आपका राइट आंसर है। कौन सा गद्य काव्य माधव प्रसाद पांडे का नहीं है? 17 का क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना। आज अपन ने रिपोर्टाज और गद्य काव्य ये सारी चीजें यहां पर पढ़ ली हैं, ठीक है? इसी प्रकार से निरंतर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। कौन सा गद्य काव्य माधव प्रसाद पांडे का नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया 17 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर काल चिंतन, काल चिंतन ये नहीं है, बाकी चितवन के फूल, है ना, मधुनीर, मधुनीर और स्वर्ण नीरा, है ना? तो आपका उत्तर 17 नंबर में क्या चला जाएगा? 17 का उत्तर ठीक है, तो 17 का आपका उत्तर होगा काल चिंतन, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो एक चितवन की छांव अलग है, ये चितवन के फूल हैं, वो चितवन की छांव में नहीं तो आप लोग धोखा खा जाओ यहां पर, है ना, वो अलग है, ये दोस्तों क्या है, ये चितवन के फूल हैं, है ना, और एक काल चिंतन है, ये चितवन का फूल, इन्हीं का माधव प्रसाद, मधुनीर, है ना, स्वर्ण नीरा, इन्हीं के गद्य काव्य है। उसके बाद अशोक वाजपेयी के किस संकलन में उनके 35 गद्य गीत हैं? उनके 35 गद्य गीत हैं अशोक वाजपेयी के, ठीक है? यहां पर क्वेश्चन आ रहा है समय के पास समय, है ना, आनवियो, एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की बताना है, कहीं नहीं बही, कहीं नहीं बही, यहां पर बताना है, ठीक है? चयन करिए समय के पास समय, आनवियो, आनवियो एक पतंग, ठीक है? सत्येंद्र जी परचेस कर लो तो बहुत सारे टेस्ट अगर लगाना है आपको 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज परचेस कर लो। समय के पास समय, आनवियो एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं बही, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर ये कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी, ठीक है? ये 18 का डी आपका सही है। मौन के स्वर ये गद्य गीतकार कौन है? मौन के स्वर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 19 नंबर में वीडियो को लाइक जरूर करोगे सभी साथी, अनुज कुमार जी, उत्कर्ष जी, सुनील जी, मौन के स्वर गद्य गीतकार कौन है? ठाकुर राम अवतार से हैं, त्योहार राजेंद्र से, रंगनाथ दिवाकर या फिर ब्रह्मदेव माने जाते हैं। मौन के स्वर बताना है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। मौन के स्वर ये गद्य गीतकार कौन माने जाते हैं? मौन के स्वर 19 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी को पता है कि सर हमें त्योहार में मौन के स्वर रहना है त्योहार में। त्योहार राजेंद्र से बी नंबर आपका सही है, मौन के स्वर हैं। श्रमिक भ्रमित पथिक
गद्य गीत के रचनाकार कौन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। सभी साथी शेयर जरूर किया करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों रोज निरंतर क्लासें चलती हैं और निरंतर हम टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भ्रमित पथिक गद्य गीत के रचनाकार कौन है, प्रियंका राय जी। जिन भी साथियों को दोस्तों हिंदी साहित्य के 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज मंगवाना है अपने घर पर, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सीरीज बनाई गई दोस्तों, बहुत ही संशोधित है ना, और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। मात्र 599 में ये आप मंगवा सकते हैं, चाहे मास्टर कैडर वाले हो, टीजीटी पीजीटी वाले हो, एमपी टेट वाले हो, सभी साथी। तो यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर चला गया कि सर भ्रमित हैं पथिक, वो पथिक भ्रमित हो जाते हैं जिनको सदगुरु नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, ठीक है, सदगुरु नहीं मिलते, वो क्या हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित पथिक सदगुरु शरण अवस्थी, यानी कि सी नंबर आपका भ्रमित पथिक हो जाते हैं सदगुरु शरण अवस्थी, आपका सी नंबर बहुत बढ़िया है। दिनेश जी, वीरेंद्र जी, साधना जी, अनीता जी, अनुज कुमार जी, रेखा जी, सभी साथी दोस्तों पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और सभी साथी ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है, और ये टीजीटी पीजीटी का कोर्स ऐप में जाके आप मात्र 1500 रुपए में पे कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आप सोचते हो कि हम 4 महीने में पढ़ करके सिलेक्शन पा लेंगे, तो ये दोस्तों बहुत ही कम संभव हो पाता है ना, क्योंकि आपको रेगुलर अगर तैयारी आपकी होगी, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, आपको हमेशा तैयारी में करनी चाहिए, चाहे आप 1 घंटे दो, 2 घंटे दो, लेकिन आपको तैयारी हमेशा करना है दोस्तों। इसी प्रकार से सभी साथी अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, पढ़ते रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस में, है ना। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, एडमिशन भी ले सकते हैं सभी साथी मात्र 1500 रुपए में, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी 599 में मॉडल पेपर भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर ये बनाए गए दोस्तों। आप सभी साथी इसका अध्ययन करें, है ना, और अध्ययन करके दोस्तों अपना जो कैरियर है उसको सफल बनाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, राजीव जी, हर्षदीप, राधिका, बिंदु, लता, अर्पिता जी, रेशु जी, अनुज कुमार जी, मंजू जी, मुकनस, सरोज जी, प्रिया जी, अरुण जी, ठीक है, अनीता राजपूत जी, उत्कर्ष जी, मुनेश जी, गीता जी, तनु जी, सभी साथियों को धन्यवाद। प्रमोद सैनी जी, ठीक है, सुषमा जी, सत्येंद्र जी, वरुण जी, मोटिवेशनल जी, राजीव जी, लवली जी, रेखा यादव जी, दीपिका जी, अनीता, सुनीता, आस्था जी, बिंदु लता जी, ठीक है, राधा जी, अनुज जी, वंदना जी, सुनीता जी, सुमन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करें। जिनको एडमिशन लेना वो एडमिशन लें, नोट्स मंगवाना है सो नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय